गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल डूइंग ग्रेट एंड सेफ एट योर होम. स्टूडेंट, इन आवर प्रीवियस क्लास वी सॉल एक्सरसाइज 5E एंड टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू सॉल एक्सरसाइज 5F. सो लेट गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. अरेंज द गिवन नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग मतलब यहाँ पे आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट नंबर चूज करना होता है एंड देन ग्रेटेस्ट, 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 लास्ट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आता है. तो चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपके पास नंबर्स जो दे रखे हैं वो हैं 15, 18, 13, 20. विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग ऑल दीज नंबर्स? यस, 13 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. 13 को हम यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं और फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें रख देंगे हम 13. अब जो जिसको अंडरलाइन कर दिया उसको हम स्किप कर देते हैं. अब चेक करेंगे कि 15, 18 और 20 में कौन स्मॉलेस्ट है. यस, 15 इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग दीज थ्री नंबर्स. सो राइट 15 इन द सेकेंड ब्लैंक्स और 15 को भी हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे. अभी आपके पास है नेक्स्ट टू नंबर्स 18 एंड 20. विच इज स्मॉलेस्ट अमंग दीज टू नंबर्स? यस, 18 इज द स्मॉलेस्ट. सो राइट इन द नेक्स्ट ब्लैंक्स 18 एंड एट लास्ट राइट 20. नेक्स्ट नंबर इज 17, 19, 12, 14. विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर? यस, 12 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. 12 के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए. नाउ अगेन चेक विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, 17, 19 एंड 14. यस, 14 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. सो राइट 14. अगेन इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए ताकि आप कन्फ्यूज नहीं हो, दोबारा आपके सामने ये नंबर आए तो इनको आप यूज में नहीं लो. अब चलते हैं नेक्स्ट. आपके पास टू नंबर्स हैं 17 एंड 19. विच इज़ द स्मॉलेस्ट? यस, 17 इज़ द स्मॉलेस्ट. सो राइट द नेक्स्ट ब्लैंक्स 17 एंड एट लास्ट 19. ओके, नेक्स्ट नंबर 15, 12, 17 एंड 19. विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर? यस, 12 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. सो राइट 12 इन द फर्स्ट ब्लैंक्स एंड अंडरलाइन द नंबर 12. नेक्स्ट चेक द अदर नंबर्स विच इज़ द स्मॉलेस्ट. यस, 15 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. सो राइट द सेकेंड ब्लैंक्स 15 एंड अंडरलाइन द नंबर 15. नाउ चेक अगेन 17 एंड 19. विच इज़ द स्मॉलेस्ट? यस, 17 इज़ द स्मॉलेस्ट. सो राइट द थर्ड ब्लैंक्स 17 एंड एट लास्ट राइट द 19. 19 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग ऑल दीज नंबर्स. ओके, द नेक्स्ट नंबर इज 16, 13, 20 एंड 11. विच इज़ द स्मॉलेस्ट? यस, 11 इज़ द स्मॉलेस्ट. सो राइट एट फर्स्ट 11 एंड अंडरलाइन द नंबर ऑफ 11. नाउ चेक अमंग दीज नंबर्स विच इज़ द स्मॉलेस्ट, 16, 13 एंड 20. यस, 13 इज़ द स्मॉलेस्ट. सो राइट 13 इन द सेकेंड ब्लैंक्स. नाउ चेक दीज टू नंबर्स 16 एंड 20. विच इज़ द स्मॉलेस्ट? यस, 16 इज़ द स्मॉलेस्ट. सो राइट द थर्ड ब्लैंक्स 16 एंड एट लास्ट राइट 20. 20 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग ऑल दीज नंबर्स. ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. 15, 12, 11 एंड 14. विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर? यस, 11 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. सो अंडरलाइन द 11 एंड राइट 11 इन द फर्स्ट ब्लैंक्स. नाउ चेक अमंग दीज नंबर्स विच इज़ द स्मॉलेस्ट, 15, 12 एंड 14. यस, 12 इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग दीज थ्री नंबर्स. सो राइट सेकेंड ब्लैंक्स 12 एंड नाउ चेक दीज टू नंबर्स विच इज़ द स्मॉलेस्ट, 15 एंड 14. यस, 14 इज़ द स्मॉलेस्ट. सो राइट थर्ड ब्लैंक्स इन 14 एंड एट लास्ट राइट 15. 15 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग ऑल दीज नंबर्स, 15, 12, 11 एंड 14. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू, राइट द गिवन नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. यहाँ आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, घटते हुए क्रम में आपको लिखना है. इसमें हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखा था, छोटे से बड़े की तरफ, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. इसमें आपको ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर चूज करने हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 14, 11, 16 एंड 17. विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग ऑल दीज नंबर्स? यस, 17 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर. सो राइट फर्स्ट ब्लैंक्स इज 17 एंड अंडरलाइन द नंबर ऑफ 17. नाउ चेक दीज थ्री नंबर्स विच इज़ द
which is the greatest number. Yes, 16 is the greatest number. So write the second blanks, 16. Now again check 14 and 11, which is the greatest. Yes, 14 is the greatest. So write third blanks, 14. And at last write 11. 11 is the smallest number among all these numbers, 14, 11, 16 and 17. The second question, 15, 18, 12 and 13. Which is the greatest number among all these numbers? Yes, 18 is the greatest number. So write first blank 18. And now again check which is the greatest number among 15, 12 and 13. Yes, 15 is the greatest number. So write the second blanks 15 and put the underline of number 15. Now again check the number, which is the number of greatest 12 and 13. Yes, 13 is the greatest number. So write in the third blanks 13 and at last write 12. Okay, let's move on to the next question, number 3. 12, 14, 20 and 18. Which is the greatest number among all these numbers? Yes, 20 is the greatest. So write in the first blanks 20 and underline the number 20. Now check among these three numbers, which is the greatest number? 12, 14 and 18. Yes, 18 is the greatest number. So underline the number of 18 and write the second blanks 18. Now check 12 and 14, which is the greatest number? Yes, 14 is the greatest number. So underline the 14 and write 14 in the third blanks. Okay, and at last write 12, because 12 is the smallest among all these numbers, 12, 14, 20 and 18. Let's move on the next question, number 4. 20, 17, 18 and 12, which is the greatest number? Yes, 20 is the greatest number. So write first blanks 20 and underline the number of 20. अब इस 20 को हम स्किप कर देते हैं. अब आपके पास नंबर हैं 3, इनमें से आपको चेक करना है विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर. 17, 18 एंड 12. यस, 18 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर. सो राइट द सेकंड ब्लैंक्स 18. नाउ अगेन चेक विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 17 एंड 12. यस, 17 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर. सो राइट थर्ड ब्लैंक 17 एंड एट लास्ट राइट 12. 12 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर among all four numbers. Okay, let's move on to the next question, number 3. Write true or false. जहाँ पे आपको स्टेटमेंट जो दिया गया है उसमें आपको लगता है कि ये ट्रू है, राइट है, तो उसमें आपको ट्रू रख देना है. और यदि आपको लगता है कि ये तो स्टेटमेंट गलत बोल रहा है तो उसमें आपको फॉल्स रख देना है. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में चेक करते हैं. नंबर है आपके पास, स्टेटमेंट जो दिया गया है वो है 13 greater than 12. जैसा कि आपको पता है कि 13 तो ग्रेटर है, तो ये बात तो यहाँ पे ट्रू है. आगे वो चेक करते हैं, 12 इज़ ग्रेटर दैन 11. ये भी सही है क्योंकि 12 11 से ग्रेटर है. और 11 ग्रेटर नंबर ऑफ 10. यहाँ पे भी ये 11 जो है वो 10 से ग्रेटर है. तो आपको यहाँ पे रख देना है ब्लैंक्स में ब्रैकेट में ट्रू, टी आर यू ई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में आपके पास है 20 ग्रेटर देन 18. यस, ग्रेटर है. नेक्स्ट चेक करते हैं, 18 ग्रेटर देन 15. ये भी 18 15 से भी ग्रेटर है. और 15 ग्रेटर देन 10. तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी यहाँ क्या है, ट्रू है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी में. सी में आपके पास स्टेटमेंट जो दिया गया है वो है 18 ग्रेटर देन 13. यहाँ तक तो राइट है. फिर देखते हैं 13 ग्रेटर देन 14. नहीं, 13 14 से ग्रेटर कैसे है? 13 तो स्मॉलर है, तो यहाँ पे जो साइन आता वो स्मॉलर का आता. तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपको पता चल गया कि ये फॉल्स है. तो यहाँ पे आपको रख देना है ब्रैकेट में फॉल्स, एफ ए एल एस ई. ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी. 12 स्मॉलर देन 14. ये ट्रू है, 12 14 से स्मॉलर ही है. फिर देखते हैं आगे क्या बोल रहा है. 14 स्मॉलर देन 11. नहीं, 14 11 से स्मॉल नहीं है, ग्रेटर है. तो
तो यहाँ पे जो साइन आता वो ये वाला साइन आता, बड़े नंबर की तरफ आपको इसका एलिगेटर का जो माउथ है वो ओपन करना था, क्रोकोडाइल का माउथ ओपन होता, लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है वो फॉल्स है, तो आपको ब्रैकेट में डाल देना है फॉल्स। एंड स्टूडेंट दिस इज, एंड स्टूडेंट नाउ कंप्लीट अवर एक्सरसाइज 5F एंड मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।